देखिए, टू सिलेंड्रिकल वेसल्स आर फिल्ड विथ ऑयल, देयर रेडियाई आर 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल 21 सेंटीमीटर इन हाइट व्हिच विल जस्ट कंटेन द ऑयल्स ऑफ द टू गिवन वेसल. इन दोनों गिवन वेसल्स के ऑयल उसमें भर सकते हैं पूरी तरह से. तो यानी कि इसका वॉल्यूम उन दोनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा, है ना जी. देखिए हमारे पास दो सिलेंड्रिकल वेसल दिए हुए हैं. यहाँ पे मैं दो सिलेंड्रिकल वेसल बना देता हूँ पहले, ठीक है. दूसरा सिलेंड्रिकल वेसल ये हो जाएगा. चलिए ये दो सिलेंड्रिकल वेसल मैं यहाँ बना देता हूँ. ये ऑयल से फिल है, ऑयल से फिल है, ठीक है ना जी. तो इसका यहाँ पर रेडियस और हाइट दिया हुआ है दोनों का, ठीक है. रेडियस और हाइट दोनों सिलेंडर का दिया हुआ है, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रेडियाई दिया हुआ है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, इसका 15 सेंटीमीटर और इसका 12 सेंटीमीटर, और हाइट दिए हुए है ये 20 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर. ये ऑयल से पूरी तरह से भरा हुआ है, फिल है ऑयल से. और इसी ऑयल को हम लोग क्या करें कि एक ऐसा सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका हाइट दिया है 21 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हमें नहीं पता है. ये ऐसा सिलेंड्रिकल वेसल है जो दोनों दिए हुए सिलेंड्रिकल वेसल के ऑयल को पूरी तरह से ये फिल कर देता है. इसमें भरेंगे इन दोनों का तो ये पूरी तरह से ये फिल हो जा रहा है. इसका मतलब दोनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल इसका वॉल्यूम होगा. अच्छा, इसका हाइट, हाइट हमारे पास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर. रेडियस नहीं पता तो इसको हम लोग सपोज कर लेते कि आर है, ठीक है. पहले लेते कि लेट द हाइट ऑफ, हाइट ऑफ द बिगेस्ट, बिगर सिलेंड्रिकल वेसल बी, सॉरी सॉरी रेडियस ना, रेडियस हाइट तो दिया ही है, रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से नोट करते हैं. और हाइट कितना दिया है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इस वाले का कैपिटल आर से नोट करते हैं वो है 21. अच्छा, रेडियस ऑफ गिवन सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेसल्स, वेसल्स क्या दिया जी. तो एक को R1 से डिनोट करते हैं पहले वाले को जो कि 15 सेंटीमीटर है, और दूसरे को R2 से जो कि है 12 सेंटीमीटर. एंड हाइट, हाइट ऑफ गिवन सिलेंड्रिकल वेसल्स, सिलेंड्रिकल वेसल्स, तो उनका हाइट एक को H1 से जो कि है 20 सेंटीमीटर, एक को H2 से जो कि है आपके पास 16 सेंटीमीटर. अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ बिगेस्ट सिलेंडर, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेसल वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों के वॉल्यूम के सम, यानी कि पाई आर वन स्क्वायर एच वन और पाई आर टू स्क्वायर एच टू. चलिए, और इसका क्या हो जाएगा, रेडियस आर और कैपिटल एच से हाइट डिनोट किया है तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और इधर पाई कॉमन आर वन स्क्वायर एच वन आर टू स्क्वायर एच टू. यहाँ पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर ये हमें नहीं पता है रेडियस, हाइट 21 पता है, इक्वल टू में यहाँ पर आर वन, आर वन यानी 15 का स्क्वायर, आर वन एच वन, एच वन है 20, R2 है 12 का स्क्वायर और S2 यहाँ पर हो जाएगा 16. तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इंटू में 21, 225 इंटू में 20 और 144 इंटू में 16. R स्क्वायर इंटू में 21 इक्वल टू में यहाँ देखिए 225 में इंटू कर दोगे 20 से तो आपका आ जाएगा 4500 और 144 में मल्टीप्लाई कर दोगे आप 16 से तो आ जाएगा 2304, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं R स्क्वायर इंटू में 21 इक्वल टू में देखिए इसको, इसको ऐड कर देंगे 4500 में स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 6804,
आर स्क्वायर इक्वल टू में 6804 और बाई में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 324 टाइम्स, तो ये कितना का 18 का स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू में 18 का स्क्वायर, यानी कि रेडियस आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सिलेंडर बी 18 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की